नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजंस को पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पर यदि प्रकाश डाला जाए, एक जमाने में जो बात एम्प्लॉयर कहता था वह एम्प्लॉय को माननी होती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, विकास हुआ, अनेकों कामगार इन इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। अब लेबर को अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सरकार को ये लगा कि एक अधिनियम लाया जाए, तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लाया गया। इसका नाम इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर की जगह। इसमें यह पूरे संपूर्ण भारत पर लागू है और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें लागू है। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस अर्थात ये अस्तित्व में 1 जून 1927 को आया है, जिसमें टोटल सेक्शंस की संख्या 33 रखी गई है। इसमें 5 पार्ट्स हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेगुलेशन 1938 के तहत जो कि एक स्टेट पर रेगुलेशन नहीं लगता है, उसके लागू होने के लिए एक स्टेट से ज़्यादा का होना जरूरी है। इसमें 4 फॉर्म्स बतलाए गए हैं। एक पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म ए में होगा। दूसरा है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन का, फॉर्म बी होगा। तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, फॉर्म सी कहलाएगा। तथा एनुअल रिटर्न, फॉर्मेट डी कहलाएगा। इसका मेन उद्देश्य यह है कि पहले श्रमिक अलग अलग टुकड़ों में रहते थे, उनमें ग्रुपिज्म नहीं था और उसके कारण कभी भी वह कंपनी में या एस्टेब्लिशमेंट में बिना कोई कारण बताए हड़ताल पर चले जाते थे, जिससे इंडस्ट्रीज का कार्य बुरी तरह प्रभावित होता था। इन सब उद्देश्यों के लिए इसका मुख्य उद्देश्य, इस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज देयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, देयर राइट्स, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए यूनियन लीगल आइडेंटिटी के रूप में कॉरपोरेटेड स्टेटस प्राप्त कर लेता है। इट कैन प्रोटेक्ट द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इसमें यूनियन के वर्कर्स के अलावा एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयर बोथ और एम्प्लॉय बोथ कवर्ड हैं, जो वर्कर्स के इंटरेस्ट तथा इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में कार्य करते हैं। अब मैं आपको यह बतलाऊंगा कि इस अधिनियम में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय टेम्परेरी या परमानेंट कॉम्बिनेशन के रूप में रहते हैं। फॉर रेगुलेटिंग द रिलेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स और इंटरेस्ट में, वर्कर्स के इंटरेस्ट में कार्य करते हैं, मिलकर एक्शन लेते हैं आपस में, या बिटवीन दी वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर हो सकता है, या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर हो सकता है, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच भी हो सकती है। एम्प्लॉयर की एसोसिएशन जो बनेगी उसमें फॉर इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ ट्रेड और बिजनेस में ये ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। 2 फेडरेशन मिलाकर भी यूनियन बना सकते हैं और अपनी इच्छा से वर्कर्स इसे बनाते हैं। हम लोग जनरली यह समझते हैं कि वर्कमैन के इंटरेस्ट में ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, जबकि इसमें एम्प्लॉयर के एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स भी अपनी यूनियन बना सकते हैं, जिसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट रहता है, पीसफुल रिलेशन वर्कर्स और इंडस्ट्री के बने रहें। इस उद्देश्य से ट्रेड यूनियन एक्ट में ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई है। सेम इंडस्ट्रीज में अलग अलग एसोसिएशन और यूनियन भी हो सकती है, या मल्टीपल ट्रेड यूनियंस भी, जैसे कपड़ा मिल हैं, सभी कपड़ा मिलों में मल्टीपल ट्रेड यूनियंस आदि हो सकते हैं। सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण होने के कारण इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डिसिप्लिन बना रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंसिंग एंड इम्प्रूविंग द टर्म्स कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय है। इसमें सबसे पहले मैं आपको 4-5 डेफिनेशन है जो महत्वपूर्ण है, उनको बतलाता हूँ। इसमें ट्रेड यूनियन के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। एग्जीक्यूटिव में बॉडी ऑफ पर्संस जो अफेयर्स को मैनेज करती है, ट्रेड यूनियन के अफेयर्स को एग्जीक्यूटिव के रूप में ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। दूसरा है ऑफिस बियरर्स, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स के अलावा ऑडिटर को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव इसमें इंक्लूड रहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हेड ऑफिस इस ट्रेड यूनियन का बनाया जाएगा, उसका नाम, पता, स्थान
उस एसोसिएशन ट्रेड यूनियन द्वारा दिया जाएगा जो उसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस कहलाएगा। सेक्शन 2D में इसको डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार ट्रेड डिस्प्यूट को 2G के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, द वर्कमैन एंड वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, इसमें पर्सनल नेचर के डिस्प्यूट को नहीं लिया जाता है। इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, नॉन एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, टर्म्स ऑफ कंडीशन संबंधित या किसी भी कर्मकार के कंडीशन ऑफ लेबर, किस दशा में वह कार्य कर रहा है, इन सभी के संबंध में डिस्प्यूट को ट्रेड डिस्प्यूट कहा जाता है। वर्कमैन की भी परिभाषा इसमें दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं वह वर्कमैन की परिभाषा में कवर्ड माने जाएंगे। अब ट्रेड यूनियन के बारे में सेक्शन 2H कहता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट बिटवीन रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन। इस प्रकार किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के यहाँ अप्लाई करना होता है, जिसमें मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन बतलाया गया है, एटलीस्ट 7 और मोर पर्सन होंगे। यूनियन रूल्स के तहत इसमें एक फॉर्म के रूप में या आवेदन के रूप में उनको देना होगा। नो ट्रेड यूनियन कैन वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ट्रेड यूनियन में 10% वर्कमैन या 100 जो भी उसमें लेस हो उनको यह आवेदन देना होता है। विच एवर इज लेस कनेक्टेड विथ ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार को देने के लिए साथ में कॉपी ऑफ द रूल्स, जो ट्रेड यूनियन के रूल्स बनाए गए हैं, स्टेटमेंट की कॉपी आदि देनी पड़ती है। फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेम्स एंड ऑक्यूपेशन एड्रेस एंड आर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर प्लेस ऑफ वर्क, नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, हेड ऑफिस कहाँ रहेंगे, ट्रेड यूनियन ऑलरेडी अगर मोर देन 1 ईयर से एग्जिस्टेंस में है तो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज का भी स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के यहाँ देना पड़ता है। फॉर मेकिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रूल्स की कॉपी भी साथ में देनी होती है। इस प्रकार यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो वह उस ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड कर देता है। रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन यह है कि रूल्स में सभी तरह के नियमों में नेम, ऑब्जेक्ट, जनरल फंड्स किस तरह का यूज होगा, किन किन पर्पस के लिए लिया जाएगा, सेफ कस्टडी किसकी रहेगी, मेंबर्स कौन होंगे, एनुअल ऑडिट होगा, मेंबर्स ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, जनरल फंड्स होंगे, किस पर्पस के लिए उसका उपयोग किया जाएगा, मेंबर्स की लिस्ट आदि, पेमेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस किन किन वर्कर्स से क्या क्या ली जाएगी, मैनर वेरिड एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बियरर्स का चुनाव कैसे होगा, उन्हें कैसे रखा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, तथा टेन्युअर नॉट मोर देन 3 ईयर्स, अर्थात 3 साल से ज्यादा का इसका कार्यकाल ट्रेड यूनियन का नहीं होगा। इसमें रजिस्ट्रार सेक्शन 9 में एक सर्टिफिकेट ट्रेड यूनियन का इश्यू करेगा, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये जस्ट लाइक बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट की तरह होता है। इसमें यूनियन बॉडी कॉरपोरेट होती है, जिसका परपिचुअल सक्सेशन होता है, ये लगातार चलती रहती है। इसमें कोई भी आए या जाए इसका कोई खास प्रभाव इस ट्रेड यूनियन पर नहीं पड़ता है। वह कॉन्ट्रैक्ट स्वयं कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकती है, इसके खिलाफ दावा लाया जा सकता है या इसके विरुद्ध भी दावा या स्वयं भी दावा लगा सकती है। अब है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में रजिस्ट्रार में कैंसिल, अगर वो स्वयं ट्रेड यूनियन कैंसिलेशन की कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देता है तो सर्टिफिकेट ऑब्टेंड बाय द रजिस्ट्रार उसे यह संतुष्ट हो जाता है कि वास्तव में यह कैंसिलेशन लायक है, तो वो इसको कैंसिल कर सकता है। सेकेंड है, रजिस्ट्रार को लगता है कि सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार के यहाँ से लिया गया रजिस्ट्रेशन का वो फ्रॉड और मिस्टेक से लिया गया है, तो वह इसे कैंसिल कर सकता है। तीसरा, मिनिमम मेंबर, अगर कोई मिनिमम मेंबर की संख्या नहीं बची है तो भी रजिस्ट्रार उसे कैंसिल कर सकता है। विलफुली जानबूझकर अगर किसी ट्रेड यूनियन के रूल्स का वायोलेशन होता है तो रजिस्ट्रार उसे कैंसिल कर सकता है। यदि रूल्स में ट्रेड यूनियन को ऐसे रूल्स को जो ट्रेड यूनियन के लिए आवश्यक हटा दिया गया है तो भी इसे कैंसिलेशन किया जा सकता है। इसी प्रकार सीज टू हैव रिक्विसाइट मिनिमम नंबर, अगर उससे भी कम रह गया है तो भी इसे कैंसिल किया जा सकता है। इसमें 31 दिसंबर तक ट्रेड यूनियन के मेंबर्स का रिकॉर्ड देना होता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बतलाना होता है, ऑफिस बियरर्स के चेंज के बारे में टिल द डेट ऑफ डिस्पैच अप टू डेट पोजीशन बतलानी होती है। सम अप के रूप में 2-3 चीजें और आपको बतलाना चाहता हूं।
कि रजिस्ट्रार चाहेगा जब इंस्पेक्शन कर सकता है, इसमें वह डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करा सकता है, 10 माइल्स के अंदर उसका वह स्थान होना चाहिए। ट्रेड यूनियन आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक कंपनी की तरह कार्य करती है, बॉडी कॉरपोरेट हो जाती है, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉमन इसकी सील होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, इट कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, और इट कैन बी श्यो और कैन बी श्योर्ड। फंड्स का जो उपयोग होगा वो मीटिंग वगैरह के लिए, पॉलिटिकली पर्पस के लिए किया जा सकता है। कोई एम्प्लॉई चंदा नहीं भी देता है तो भी उसे यूनियन का मेंबर बना रहने दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। एक और है कि यूनियन में एक्सपेंडिचर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करनी होगी, कितने उसके खर्चे हुए। मेंबर्स कन्विक्टेड अगर है 5 साल तक वो डिबार रहेगा। कॉन्स्पिरेसी का केस मेंबर के खिलाफ 120B IPC के तहत पनिशमेंट आदि का नहीं लगेगा। सिविल सूट वो नहीं ला सकते, सिविल कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है। सपोर्ट 50% वोट चाहिए तथा 60% मेंबर्स होने चाहिए। इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल कोर्ट्स इसको दी गई है, ट्रेड यूनियन ने ही उसे सॉल्व करना होगा। यह एक्ट एप्लीकेबल होगा नॉट ओनली द यूनियन ऑफ वर्कर बट आल्सो एप्लीकेबल टू द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्कर्स को यह प्रोटेक्शन दिया गया है कि वह ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराएं, और ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत वर्कर्स को सभी सुविधाएं जो कि वह बार्गेनिंग के रूप में मैनेजमेंट के समक्ष रख सकते हैं रखते हैं, तथा एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज को भी, एम्प्लॉयर को भी यह एक्ट लगता है। कुल मिलाकर ट्रेड यूनियन एक्ट वर्कर्स के हकों अधिकारों के लिए उसके राइट के रूप में, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आपने देखा, और यदि आपको यह अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।